हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द स्टेट मैनेजमेंट ऑप्शंस। डेट क्लाइंट साइड ऑप्शन एंड सर्वर साइड ऑप्शन, दोनों ऑप्शन को हम देखेंगे प्रोग्रामेटिकली। और ये प्रोग्राम जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है। यस, ये प्रोग्राम प्रैक्टिस सेशन और प्रैक्टिकल के अंदर इंक्लूडेड है। यस, और अगर चांस मिले तो हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का प्रिंट आउट भी निकालेंगे, अगर सब रेगुलर हो जाता है तो। अदरवाइज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यस, उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लेना है, सारे हमने क्लाइंट साइड ऑप्शन ले लिए हैं। फर्स्ट वन इज द व्यू स्टेट, हिडन फील्ड, क्वेरी स्ट्रिंग, कुकीज। यस, ये सब कुछ हमने ले लिया है। ये सारे बटन हैं और ये हिडन फील्ड का क्या बोल सकते हैं, हिडन फील्ड है। यस, और ये सर्वर साइड ऑप्शन है, ट्रांसफर, एप्लीकेशन, सेशन। यस, और ये क्या है, बटन्स है। ये तीनों बटन है और ये चार भी बटन है। तो हर एक पर हम कोडिंग लिखेंगे। यस, हर एक पर हम कोडिंग लिखेंगे। तो कोडिंग क्या लिखना है, दैट इज अ व्यू स्टेट। सो व्यू स्टेट पर डबल क्लिक करके हम यहाँ पर कोडिंग लिखेंगे। इसके अंदर हम व्यू स्टेट का वैल्यू को सेट करेंगे। यस, सो इसको मैं थोड़ा नोट पैड में ले लेता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये सारे कोडिंग बटन क्लिक के अंदर लिखने हैं। यस, इसको मैं जूम कर देता हूँ। लेट अस वेट। ओके, सो आपके लिए मैंने ये सारे जो टेक्स्ट है उसका थोड़ा बिगर साइज कर दिया है। नाउ सेट द व्यू स्टेट। व्यू सेट स्टेट को अगर हमें सेट करना है तो हम ऐसे सेट कर सकते हैं, व्यू स्टेट ब्रैकेट के अंदर की वेरिएबल इज इक्वल टू इट्स वैल्यू। वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स में से। और टेक्स्ट बॉक्स को मैंने उसका आईडी चेंज किया है, किसके थ्रू, टीएक्सटी नेम। यस, सो ये टीएक्सटी नेम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का आईडी है और टेक्स्ट बॉक्स का नेम है। यस, सो व्यू स्टेट के अंदर हम ऐसे वैल्यू सेट करेंगे। अभी हमें गेट व्यू स्टेट वैल्यू करना है तो lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, व्यू स्टेट वैल्यू इज ये व्यू स्टेट का वैल्यू। यस, सेकंड जो है दैट इज द हम सेट करेंगे हिडन फील्ड। हिडन फील्ड को सेट करने के लिए पहले हम यहाँ पर हिडन फील्ड ले लेंगे। वी हैव टू टेक द हिडन फील्ड, यस, फ्रॉम द टूल बॉक्स। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कोडिंग लिखेंगे। अगर हमें हिडन फील्ड के अंदर पहले वैल्यू सेट करना है तो कैसे करेंगे, हिडन फील्ड वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टीएक्सटी नेम डॉट टेक्स्ट। और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे लेबल के अंदर। यस, यहाँ पर हमने एक लेबल भी लिया है, दैट इज दिस वन। यस, दिस वन इज अ लेबल। यस, उसको टेक्स्ट हमने बाय दिया है, हम यहाँ पर टेक्स्ट निकाल देते हैं। सो दिस वन इज द लेबल। नाउ सेम वे क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हम वैल्यू ले देते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हम वैल्यू को सेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। यस, रीडायरेक्ट के अंदर आप सिंपली रीडायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने URL एनकोड किया है, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। वी कैन सिंपली सेंड द वैल्यू, पेज नेम, दूसरा पेज का नेम डॉट ASPX क्वेश्चन मार्क, नेम इज इक्वल टू एम पर्सन साइन txt नेम डॉट टेक्स्ट। यस, तो क्वेश्चन मार्क के बाद का चीज क्या होता है, दैट इज योर क्वेरी स्ट्रिंग। यस, और ये एम पर्सन साइन किसके लिए, फॉर द कॉन्केटिनेशन। और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आएगा वो रीडायरेक्ट होगा क्वेरी स्ट्रिंग थ्रू। सेम वे हमने कुकीज के लिए यहाँ पर सेट कुकी किया है। यस, सी नेम http कुकी नेम। यस, हमने यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके अंदर वैल्यू क्या दिया है, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू है वो हमने नेम के अंदर दे दिया है। और सी नेम डॉट एक्सपायर्स, एक्सपायर्स हमने क्या रखा है, 2020। ओके, दैट इज सितंबर 2020। पहले मंथ आएगा, उसके बाद डे आएगा, उसके बाद ईयर आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कुकीज को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट ऐड। यस, सो ये कुकी कहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो हमारा सर्वर सॉरी क्लाइंट ब्राउजर है वहाँ पर हमारा कुकी ऐड होगा, या तो हमारा मशीन पर कुकी ऐड होगा। ये परमानेंट कुकी है तो हम कहाँ पर ऐड होगा, मशीन पर ये कुकी राइट होगा।
यस, अभी हमें कुकी का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें उसका एक क्लास थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यस, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुकी जो है उसको रिक्वेस्ट करेंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कुकी ब्रैकेट के अंदर नेम, और ये lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, कुकी वैल्यू इज दिस वन जी नेम डॉट वैल्यू एंड एक्सपायर डेट इज जी नेम डॉट एक्सपायर डॉट टू स्ट्रिंग। यस, ये सब कुछ हम पहले लर्न कर ही चुके हैं, खाली हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। ये डिफॉल्ट पेज मैंने बनाया है, उसके बाद हम यहाँ पर डिफॉल्ट टू डॉट पेज हम यहाँ पर बनाए हैं। यस, डिफॉल्ट डॉट टू डॉट पेज। यस, और उसके अंदर हमने क्या किया है, डिफॉल्ट टू पेज के अंदर हम जो क्वेरी आया फर्स्ट पेज में से उसको उसका वैल्यू हम यहाँ पर गेट करेंगे। सेम वे फर्स्ट पेज के अंदर हमने जो एप्लीकेशन स्टेट का वेरिएबल सेट किया है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। सेम वे सेशन के अंदर जो वैल्यू हमने सेट किया है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, और यहाँ पर हम साइन आउट करेंगे, यानी कि क्या बैक जाएंगे और पर्टिकुलर जो सेशन है उसको अबेंडन करेंगे। यस, नाउ लेट अस सी द सर्वर साइड ऑप्शन। सर्वर साइड ऑप्शन के लिए बटन के अंदर हमने लिखा है ये सर्वर डॉट ट्रांसफर, और डायरेक्ट ये पेज कहाँ पर ट्रांसफर होगा, डिफॉल्ट टू डॉट एक्सपीएक्स पर। सेम वे यहाँ पर दूसरा एक पेज है, डेट इज द एप्लीकेशन स्टेट के अंदर हमने सेट एप्लीकेशन किया है, एप्लीकेशन नेम इज इक्वल टू टीएक्सटी नेम। यस, एंड उसको हमने एप्लीकेशन स्टेट सेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको रीडायरेक्ट करना है कहाँ पर, डिफॉल्ट टू डॉट एएसपीएक्स पर। सेम दूसरा जो है सेशन, यस, सेशन के अंदर हमने यहाँ पर सेशन का वैल्यू सेट किया है, और हमने यहाँ पर चेक करवाया है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू नहीं है तो सेशन के अंदर कुछ नहीं जाएगा, और अगर सेशन के अंदर वैल्यू है तो सॉरी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू है देन वी हैव टू सेट द सेशन वैल्यू। सो सेशन नेम इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू इज टीएक्सटी नेम डॉट टेक्स्ट। यस, दूसरा चीज हम क्या करेंगे यहाँ पर, दैट वी हैव टू सेट द ये सेकंड पेज के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू को सेट करेंगे। यस, तो उसके लिए वैल्यू हम यहाँ पर क्या सेट करेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग का वैल्यू हमें चाहिए। सो गेट क्वेरी स्ट्रिंग इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, यस, ब्रैकेट के अंदर नेम इज नथिंग देन, देखिए ये क्वेरी स्ट्रिंग का हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, और तो उसके लिए हमने यहाँ पर चेक किया है कि अगर क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है देन वी हैव टू, यस, अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है देन वी हैव टू व्हाट वी कैन से, LBL टैग्स के अंदर कुछ नहीं प्रिंट करना है, अगर वैल्यू है तो हमें प्रिंट करना है, अदरवाइज कुछ नहीं प्रिंट करना है। यस, तो इसके अंदर वैल्यू रहेगा तो यहाँ पर आएगा LBL टैग्स के अंदर, और क्वेरी स्ट्रिंग जो है उसका वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यस, सो हमने यहाँ पर एक और लेबल लिया है और लेबल के अंदर हम वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, डेट इज द LBL message dot text is equal to query string value is equal to request dot query string। value हमें कैसे मिलेगा, request through ही मिलेगा, so request dot query string। yes, दूसरा एक चीज है, और ये जो value आया हमने text के अंदर print करवा दिया। now same way application का value get करेंगे, application variable के अंदर भी same चीज check करेंगे, if not application name is nothing, अगर उसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर वैल्यू कुछ नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन वेरिएबल या लेबल के अंदर वैल्यू प्रिंट नहीं करना है। यस, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि कोई यहाँ पर वैल्यू गेट करने के टाइम पर कोई एरर ना आए, या वी कैन से सिंपली एरर ना आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इफ नॉट एप्लीकेशन नेम इज नथिंग। इज नथिंग क्या चेक करेगा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, और नॉट क्या चेक करेगा कि
पर्टिकुलर ये वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू नहीं है यस तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर वैल्यू है तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे। सेम वे सेशन के अंदर हमने वैल्यू को गेट करना है, नॉट सेशन, सेम इफ कंडीशन रखेंगे, इफ नॉट सेशन नेम इज नथिंग देन वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू, यस अदरवाइज कुछ नहीं करना है। ओके इसको हम रन करके देखते हैं डिफॉल्ट पेज को। नाउ लेट अस रन दिस एप्लीकेशन। ओके सो यहां तक आप लोगों ने देख लिया सेशन टाइम आउट कैसे होता है, साइन आउट कैसे करना है और कंपैरिजन ऑफ द सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करके मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप ये इतना स्टडी करो और इसका मैं जो है वो पूरा एक डॉक्यूमेंट भेजने वाला हूँ, उसके अंदर पेज रहेगा, उसके अंदर कोडिंग रहेगा, यस सो यू कैन इजिली डू योर थिंग और आप अपने हिसाब से पूरा वर्क कंप्लीट कर सकते हो। यस सो थैंक यू।